नमस्कार। आज मैं प्रसिद्ध बंगाली मिठाई बनाने जा रही हूँ, जिसको हम कहते हैं छेना मुर्गी। छेना मुर्गी बड़ी पसंद की चीज है और इसको कई दिन तक रख के इस्तेमाल की जा सकती है। इसके लिए हमें बहुत अधिक सामान की जरूरत नहीं है। जो सामान चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने पनीर लिया है, इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये आप डिजायर्ड शेप में काट सकते हैं, छोटे या और बड़े। और ये है चीनी, ये है रोज एसेंस, आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। और गुलाब जल डालते समय क्या है, पानी की चाशनी थोड़ी पतली हो जाती है, इसलिए मैं एसेंस डाल रही हूँ। और ये इलायची पाउडर, और ये मैंने मेजरमेंट के लिए कप्स लिए हैं। अब मैं ये चीनी थोड़ा बारीक पीस लेती हूँ। ये मैंने चीनी पीस ली है और ये बिल्कुल साफ है, इसलिए मुझे दूध की आवश्यकता नहीं है। वरना चाशनी बनाते समय जब हम चाशनी बना रहे होते हैं तो हम थोड़ा दूध डाल के या कभी कभी फिटकरी डाल के हम इसको साफ कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इसमें चीनी को, और नाप करके पानी डाल रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा नहीं तो उसको पकाते पकाते चाशनी बनाने में ही समय निकल जाता है। जरूरत पड़ेगी तो और डालेंगे, वैसे ये इससे चाशनी सही बन जाएगी। अब मैं इसको हाई फ्लेम कर लेती हूँ। शुरू में थोड़ा कम भी कर सकते हैं और फिर इसको हाई फ्लेम पे पका लेते हैं। इसको हम लगातार चलाते रहते हैं ताकि चीनी नीचे नहीं जमे। अब इसमें झाग आने लगे हैं। मुझे थोड़ी सी देखने में बहुत साफ थी पर थोड़ी गंदी नजर आ रही, इसलिए इतना सा दूध डाल रही हूँ जिससे कि इसकी गंदगी झाग के साथ ऊपर आ जाएगी और हम गंदे झाग को बाहर निकाल देंगे। ये जो मुझे थोड़ा गंदा सा दिखा ये मैंने निकाल दिया। मैं चाशनी में चेक कर लेती हूँ, ये एक स्ट्रिंग आ गया है तो इसका मतलब अब हमको कॉशियस हो जाना है। और मैं दिखाती हूँ, इस समय मैं इसमें इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ और ये जो मैंने एसेंस रखा है इसको भी 3-4 बूंद डाल देती हूँ। इसी समय मैं ये पनीर डाल रही हूँ ताकि थोड़ी अंदर तक भी चली जाए, वरना केवल ऊपर ही चिपकेगी। एक तार के बाद जब दो तार आने लगते हैं तो आप देखेंगे ये पूरे की तरह चिपकनी आवश्यक है इसके ऊपर। तो अब ये बहुत गाढ़ी हो गई है और लगभग दो तार हो गए हैं। इस समय इसको करना, चलाना, इसमें डालना बहुत जरूरी है। इसको हम चला लेते हैं और हल्के हाथ से चलाते हैं ताकि हमारा पनीर नहीं टूटे। अब हमें नजर आ रहा है कि साइड्स में थोड़ा चिपकने लगा, इसका मतलब अब ये तैयार होने लगा है। और अब हम इसको ठंडा करके अभी इसको अलग कर लेंगे। ये बूरे की तरह जमने लगा है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा करके चलाती हूँ नीचे। ठंडा होने पर ये अलग अलग हो जाएगा, जम जाएगा। यदि किसी को बहुत नरम वाला पसंद है तो इसको ऐसी कंसिस्टेंसी पर, ये खुला हुआ जब खुले खुले अलग अलग होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा समय तक टिक सकता है। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस रिलीज होते ही मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए।
ये अब बिल्कुल इस पे चिपक गया है, ठंडा होके बहुत अच्छी तरह सूख जाएगा। और ये देखिए बूरा साइड में निकल आया है, अब ये तैयार है। इसको मैं प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ। ये देखिए छेना मुर्की तैयार है, घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए इसको। बहुत अच्छी और बड़ी हेल्थी डिश है ये, खाइए खिलाइए और अपने कमेंट्स मुझे जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली रेसिपी